31 है, 31 से लेके 34 तक हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है। जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देखो। फर्स्ट ये है कि अगर f और g दोनों कंटिन्यूस है ना, तो इन दोनों का सम कंटिन्यूस होगा, इन दोनों की डिफरेंस कंटिन्यूस होगा, इन दोनों की प्रोडक्ट कंटिन्यूस होगा। f अपॉन में g, अगर के g नॉट इक्वल टू जीरो है तो भी कंटिन्यूस होगा। g अपॉन में f, अगर के f नॉन जीरो है तो भी कंटिन्यूस होगा। एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन आ गया, ठीक है। इसके बाद कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन जो भी होगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन कुछ भी ले लो वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस देखो कौन कौन से फंक्शन होंगे, कॉन्स्टेंट फंक्शन जो भी होगा कंटिन्यूस होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन जो भी होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये भी कंटिन्यूस होगा। अब ये कंटिन्यूस कहाँ पे होंगे, अपनी डोमेन पे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री की जब हम बात करेंगे तो अपने डोमेन पे कंटिन्यूस होंगे, ऐसे ही पॉलिनोमियल अपने डोमेन पे कंटिन्यूस होंगे। कॉन्स्टेंट की तो डोमेन होल आर है, ठीक है, होल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तो हर जगह कंटिन्यूस है, ठीक है। पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक अपने डोमेन पे कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। इसके बाद मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन ये भी ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ये कंटिन्यूस होगा। कब होगा, लेकिन मान लिया मैंने f ऑफ g x इसको डिफाइन किया कि ये कंटिन्यूस है, मेरे पास इसको कंटिन्यूस दिखाने के लिए मुझे क्या चाहिए, g तो कंटिन्यूस होना चाहिए, किस पे, x पे, अपने डोमेन पे। जो पीछे वाला है वो अपने डोमेन पे कंटिन्यूस होना चाहिए, और जो आगे वाला है f वो कंटिन्यूस होना चाहिए, किस पे, जी एक्स पे। अगर के ऐसा है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। बात समझ आई, जब भी हम कंपोजिशन लिखेंगे f ऑफ g में लिखेंगे, ठीक है, कैसे भी लिख दें, f ऑफ g लिख दें, g ऑफ f लिख दें, या फिर h ऑफ g लिख दें, कुछ भी फंक्शन लिख दें, सिंपली ऐसे याद रखो कि पीछे वाला ना, जो भी पीछे वाला है वो तो अपने डोमेन पे कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। या जो भी पॉइंट हमें दे रखा है, जैसे एट x इज इक्वल टू 5 दे रखा है, कि वो तो 5 पे कंटिन्यूस होना चाहिए, कौन, पीछे वाला, ठीक है। और जो आगे वाला है वो g ऑफ a पे, मीन्स यहाँ पे g ऑफ 5 पे कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। अगर के ऐसा है तो f ऑफ g कंटिन्यूस हो जाएगा। बात समझ आ गई, इन जर्नल हम 5 की जगह क्या लेके चलेंगे, a लेके चलेंगे। अगर g a पे कंटिन्यूस है और f g ऑफ a पे कंटिन्यूस है, तो f ऑफ g x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनका यूज करना है, ठीक है।